नवंबर माह में आलू की बुवाई हुई है और बोला जाता है कि नवंबर माह में जब बुवाई होती है तो आलू का प्रोडक्शन काफ़ी कम निकलता है। किसान काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि जब साइज़ मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि आलू के लिए टेम्परेचर चाहिए मिनिमम 29 से लेकर 33 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे नीचे तापमान जाता है तो आलू की बढ़वार मारी जाती है और आलू का फुलाव नहीं होता है। ऐसे में साइंटिफिक तरीके से खेती क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इस वर्ष अगर आपने देखा होगा कि जिस समय पर आपकी सोइंग यानी बुवाई का समय चल रहा था, उसी समय पर अचानक बारिश ने प्रभाव डाला था और लगभग फसल जो है 10 से 20 दिन लेट हुई थी और 10 से 20 दिन लेट होने के बाद में मट्टी पे यानी सॉइल पे काफ़ी फर्क पड़ा था। ऐसे में नवंबर में बुवाई कहीं ना कहीं प्रोडक्शन वगैरह आती है। लेकिन अगर आप कुछ जानकारियों को साझा करें, कुछ इन जो टेक्निकल साइंसेज है जो कि आपके एग्रीकल्चर संबंधित हैं, अगर आप इनका प्रयोग करें तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन गिरने की बजाय बढ़ जाए। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। आज हम बात करेंगे आलू के साइज को डेवलप यानी कि बढ़ाने की, जो कि एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, मैं इसमें वो नहीं करूँगा। आलू का साइज़ किस तरीके से आप जो है मेंटेन कर सकते हैं, आपने अत्यधिक खाद का इस्तेमाल किया, अत्यधिक ह्यूमिक एसिड वगैरह वो सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी विगत वर्षों में इस साल और जो आपकी क्रॉप फसल लगी यानी क्रॉप लगी हुई है इसमें भी आप इस समस्या से दो चार होंगे और कई हज़ारों में नहीं लाखों में ऐसे किसान होंगे जो इसी से परेशान होंगे कि प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, आलू का साइज़ जो है, जो ट्यूब है उसका विकास नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम बात जानेंगे आज एक नया उत्पाद के बारे में। हालांकि उत्पाद बहुत मार्केट में है, टेक्निकल साइंसेज इतना तरक्की कर गई है एग्रीकल्चर की कि तमाम ऐसी कंपनियाँ आ रही हैं जो कि अपने अपने फ़ायदे के लिए घूम रही हैं कुछ दो चार पैसे कमाने के लिए, लेकिन उन्हें कहा किसी किसानों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इस सब के बीच में एक कंपनी ज़रूर आई है जो कि काफ़ी प्राचीन कंपनी है, उसका उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ इंडिया में यूँ कहें तो वर्चस्व नहीं है, हालांकि उसकी जो टेक्निकल साइंस है वो काफ़ी अलग है। तो आज हम बात करेंगे आपके अजिंक्या केमिकल प्राइवेट लिमिटेड की इको स्ट्रीम के बारे में। तो जो इको स्ट्रीम है ये जो है आप इसे मान सकते हैं विकास यानी कि पौधों का जो विकास जो आपके ट्यूब्स हैं, चाहे वो गेहूं की खेती हो चाहे वो आलू की खेती हो, इसमें ये काफ़ी बहुत अच्छा प्रभाव देती है। अगर बात करें इसके पोषक तत्वों की, इसके अंदर क्या क्या है तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एल कैस्टिलाइन 10% W/W और फॉलिक एसिड जो 0.1% है, जो कि हर चीज़ में एडजस्ट हो जाता है। अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं तो आप बात कर लेते हैं, देखिए क्या विटामिन बी सी फॉलिक एसिड और बायोकेमिकल जो और फिजिकली एक्टिविटी इसमें है, जो कि एक फसल को यानी कि उसके उत्पादन जो आपने ट्यूब हैं उसका कम विकास हो रहा है उसे एकदम ऐसा विकास करेगा कि आप भी एक देखते रह जाएंगे और आपका पड़ोसी भी ये देखता रह जाएगा कि आखिर इस किसान ने, इस हमारे पड़ोसी ने ये क्या चीज़ लगाई है कि इसका जो है कल तक ये रो रहा था हमारे सामने कि हमें कोई ऐसा उत्पाद बताओ ताकि हमारे कंदों का विकास हो जाए, आलू का साइज़ डेवलप हो जाए, लेकिन आखिर इसने ऐसा किया। तो ऐसे में अगर आप इसे लगाते हैं इको स्ट्रीम को तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वो रहेगा। अगर बात आती है कि अब इसे लगाना कैसे है तो मैं आपको बता दूँ, इसे जो NPK है 0:52:34 उसके साथ इसे कोटेड करके खेत में देना है। और अगर इसकी डोज की बात करें तो अगर इसके हमने जो डोज देखी है वो इसका 6 से 8 ml यानी कि बहुत मामूली मात्रा में 6 से 8 ml 15 लीटर टंकी में घोल बना के, या आप जो है उसके साथ में जो आपका 0:52:34 है उसके साथ में मिला के इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब हम इसके उसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है इसका जो वो होता है बोतल का वो किस तरीके से होता है, तो थोड़ा अभी इस पर नज़र भी हम डाल लेते हैं। देखिए जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आता है, देखिए ये इस तरीके के आपको ये बोतल मिलेगी। हालांकि साइज़ अलग अलग हैं, कितनी मात्रा में आपको क्या डालना है वो मैंने आपको बता दिया है, आपका जो जितना भी है 6 से 8 ml 15 लीटर जो टंकी होती है उसमें डालना है NPK 0:52:34 के साथ ही इसका स्प्रे करना है। आप यकीन नहीं करोगे कि जो अन्य आप फॉलिक एसिड या ह्यूमिक एसिड प्रयोग कर रहे हैं उनसे ये काफ़ी लाख गुना बढ़िया है। और अब इसके बारे में बात करेंगे बाद में, ये देखिए इको स्ट्रीम इसे नोट कर लीजिएगा। बात आती है आपकी बायोविटा कंपनी के, बायोविटा
जो कि आपका सीवीड एक्स, यानी कि जो समुद्री घास, समुद्री शैवाल जो समुद्र के अंदर होते हैं उससे ये बनी हुई है। अगर आप वो कर सकें तो देखिए, इसमें सल्फर भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, यानी कि सारे पोषक तत्व इसमें आपकी फसल के लिए दिए गए हैं। हालांकि ये बहुत पुराना प्रचलित वो है, तो आप इसे लगा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें जो है, जो नेचुरल प्राकृतिक समुद्री घास है उसका यहाँ पर 20% इसमें प्रयोग किया गया है। इसे भी आप लगा सकते हैं, बट मैं इसे रिकमेंडेड नहीं करूँगा क्योंकि इसे आपने लगा दिया होगा। अब बात आती है होकाटो यानी क्रॉप केमिकल्स की। तो क्रॉप केमिकल्स एक जाना माना ब्रांड है और इसका जो मैन्युफैक्चर है ये आपका हैदराबाद से होता है। और इसका जो वो है, रिजल्ट इसका भी बढ़िया है। और अगर देखा जाए ये जो ज़्यादातर जो है इसका खास इतना प्रभाव नहीं रहा है, लेकिन जो लोग किसान प्रयोग करते रहे हैं और जिन्हें ट्रस्ट है वो कर सकते हैं। बट मेरे लिहाज से, मैं एक किसान के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये आपके लिए भी नहीं है, क्योंकि इसमें बिना बात के पैसे डालना आप लोगों को आर्थिक चोट दे सकता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, कोई भी बताता हो कि ये बढ़िया है, लेकिन ये बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग मैंने भी किया है और लगभग 25 बीघा में किया है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट मुझे सही नहीं मिला है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये इसका रिजल्ट नहीं है। यूट्यूब पे आपको तमाम इसकी संबंधित वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन ये असरकारक नहीं है। व्यर्थ में पैसे ना भगाएं। अगर बात करें इसकी कीमत की, तो कीमत भी मैं बता देता हूँ, इसका कीमत है 1300 रुपये एक लीटर। क्यों इसमें उसमें बर्बाद करते हो? और इसका जो ये जो आपका देख रहे हो बायो वीटा एक्स सीवीड, ये अच्छा है, रिकमेंडेड भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम आता है, उतना नहीं आ पाता जितना किसान भाइयों को चाहिए। हालांकि इसका जो प्राइस है वो 936 रुपये है। इससे बढ़िया, इको स्टीम से बढ़िया किसी का रिजल्ट नहीं देखा है। अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है तो एक बार प्रयोग अवश्य करें। इसका जो प्राइस रखा गया है कंपनी ने, वो 100 ml का मात्र 200 या 250 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। किसी भी आप शॉप से जाके ले सकते हैं। और ये एक बेस्ट, इंडिया बेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी आप इसे बोल सकते हैं। इसका जो जिसका जब जर्मिनेशन होगा, ट्यूब का विकास होगा, तो ट्यूब के विकास में अगर आप इसे एक बार यूज़ कर लेंगे तो अगली बार आप इसके नाम से ही मांगेंगे कि इको स्टीम ही दो, हमें और कोई ह्यूमिक एसिड या वो नहीं चाहिए, या माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो वो इको स्टीम। तो आप खुद इसके देखिए। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इको स्टीम के नाम से कई ब्रांड चल रहे हैं, उनसे ना जाके आप सिर्फ अजिंक्य केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि इसको अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आप मानेंगे कि हाँ, सोनू भाई ने जो जानकारी दी है आज, इसका भी हम इस बार ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ट्रायल नहीं, ये आपके लिए 100% काम करेगा, क्योंकि नवंबर में जब आप फसल की वो कर रहे हैं, जो प्रभावशाली किसान है, यानी प्रतिभाशाली किसान है, जिनके पास में अच्छा खासा एडजस्टमेंट है और जिनके पास में हर एक साधन संसाधन उपलब्ध हैं, वो तो कुछ भी करके उत्पादन ले लेंगे। लेकिन जो मझले किसान हैं उनके लिए क्या है, जो छोटे काश्तकार हैं या किसान हैं उनके लिए क्या है, तो उनके लिए है सिर्फ इको स्टीम। आप नाम से मांगिए और ये आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। तो एक बार इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा और निश्चित तौर पे आप मान भी लेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे कि सबसे पहले इको स्टीम के बारे में सोनू चौधरी ने बताया था। फिलहाल मेरे साथ में बस इतना ही, निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा कि अगर जो भी आप लगाना चाह रहे हैं, व्यर्थ में पैसा बहाने की अपेक्षा ट्यूब का साइज़ बढ़ाने, यानी आलू का साइज़ बढ़ाने के लिए, तो मैं आपको लिए रिकमेंडेड करूँगा इको स्टीम, यानी अजिंक्य कंपनी की इको स्टीम आपके इसके बारे में। तो आप इसके वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़रूर प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद में रिजल्ट देखिएगा। अगर शानदार रिजल्ट नहीं मिले और जो आपके पड़ोसी भी हीन भावना या जलन वाली बात ना देखने लग जाएं, अरे इसने क्या लगाया है, तो हमसे बात कर लेना। जिस दिन आपको जब ये दिखेगा ना कि जब पड़ोसी आपसे ये कहेगा कि क्यों भाई तेरा आलू तो मुझसे लेट था, तेरा तू तो रो रहा था, और एक दूसरे की चुगलखोरी नहीं करेंगे ना, तो आपको पता पड़ जाएगी कि इको स्टीम ने काम किया है। तो धन्यवाद किसान साथियों, मेरे साथ वीडियो में इतना ही। आगे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और जितने भी केमिकल से संबंधित है वो आपको लिए वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को परस्पर प्यार दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।